से आ रखे हो आप? हरियाणा से। यूट्यूब पे आ गए आप? ये किधर पड़ता है? बरेली। अच्छा, बरेली से आ रखे हो आप लोग यूट्यूब पे आओगे? कौन सा चैनल? पंकज टावली ब्लॉग है, 20,000 सब्सक्राइबर मेरे तो आज की ब्लॉग है। आप लोग आओ, आप लोग भी कर लेना, कर लो, देख लोगे आप। पहाड़ी ब्लॉग बनाता हूँ, पंकज टावली ब्लॉग्स करके होगा। पंकज टावली टाकली। नमस्कार, प्रणाम, पैराग। मैं सीधे पहाड़ बागेश्वर से आपका छोटा भाई, आपका भाई, आपका बेटा पंकज टाकली इस चैनल में वेलकम करता हूँ। और ये आज की वीडियो है चिताई गोलू अल्मोड़ा की वीडियो। तो जो भी इस चैनल में पहली बार का है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम चले चिताई गोलू अल्मोड़ा। हे मेरा बाला, जय हो गोलू देवा। हे मेरा बाला, जय हो गोलू देवा। चर जागरी लगोलो हम देखनी न चोला, चर जागरी लगो। ये जो रोड जा रही है, ये जा रही चिताई गोलू और पिथौरागढ़ भी जाती है रोड। और ये रोड जाती है अल्मोड़ा, हल्द्वानी भी जाते हैं यहाँ से सीधे। और ये जो ऊपर से रोड आ रही है बागेश्वर की, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे भी इधर से हुए। तो आप कभी भी चिताई गोलू आओ तो बागेश्वर से आओ तो ये दिख रहा होगा, ये पिथौरागढ़ वाला रास्ता। और हल्द्वानी से भी आओ तो यहाँ से कटते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं गोलू। आप लोग चाहो तो यहाँ से घंटी खरीद के अंदर मंदिर में लगा सकते हो, चिताई गोलू के बाहर मिलता है। यहाँ का मार्केट चिताई गोलू का, चिताई का मार्केट। यहाँ से मंदिर जाने के लिए यहाँ से हम सामान लेते हैं, घंटी भी ले सकते हैं और सामान मिल जाता है। तो एवरीवन, हम पहुँच चुके हैं चिताई गोलू। तो हम लोग मंदिर के गेट से एंटर हो रहे हैं और आगे देखते रहे वीडियो को। यहाँ पे हम जूते खोलेंगे और साथ में यहाँ पे सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे, तो बने रहे वीडियो में। तो ये है चिताई गोलू का मंदिर। नमस्कार दोस्तों, पहला प्रणाम। जैसे ही हम चिताई गोलू के अंदर एंटर हुए तो हजारों की भीड़ में घंटी बांध रखी थी वहाँ पे लोगों ने। और अंदर जैसे मंदिर में एंटर हुए तो लोगों ने कागज़ के पन्नों में अपनी मन्नत मांग रखी है। तो जो इस चैनल में पहली बार आकर इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। पर्ची की मान्यता है इधर ना। ये देख सकते हो आप, लोगों ने अपनी मनोकामना पर्ची के द्वारा लिखते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी पर्ची से लिखता है उसकी मनोकामना हमेशा के लिए पूरी हो जाती है। जो भी आप मांगना चाहो वो सब कुछ पूर्ण हो जाती है। तो हम तो कुछ लिख के लाए नहीं हैं, हम ऐसे ही मांग लेंगे भगवान से। तो पूजा करने के बाद हम लोगों ने मंदिर के 3 चक्कर लगाए और यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों ने कागज़ के पन्नों में अपनी मनोकामनाएं, अपनी मन्नत मांग रखी है भगवान जी से। माना जाता है जो भी यहाँ पे कागज़ के पन्नों में अपनी मन्नत मांगता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जय गोलूदेव, जय चिताई गोलू की जय। हमारे छोटे भाई मनोज भाई भी चक्कर लगाते हुए, और इन्होंने भी अपनी मनोकामना भगवान जी से पता नहीं क्या मांगी है। जल्दी इनकी मनोकामना भी पूरी होगी, वैसे ही हम फिर से दोबारा गोलूदेव के दर्शन करने के लिए चिताई जाएंगे। अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो आ सकते हो, यहाँ पर आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। जय गोलूदेव। अंदर मास्क का उपयोग कर रहे हैं लोग क्योंकि कोरोना चल रहा है यार। और हम लोग आ रखे हैं आज अल्मोड़ा चिताई, और देख सकते हो आप पर्ची।
लोगों ने अपनी मन्नत इन पर्ची के द्वारा भगवान को बताई और भगवान जी उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो देख सकते हो आप गोलजू चटाई गोलजू, पीछे घाट ही घाट, और लोगों ने अपनी मनोकामना, लोग यहाँ बाहर से भी आए करते हैं, विदेश से भी, फॉरेन से भी। देख सकते हैं लोगों ने मनोकामना कैसे पूर्ण करने के लिए लिख रखा है। खरीद फरीदाबाद शराब पीने से बोल रहा हूँ, देख सकते हो आप, पहना बेटा है शराब पीने से बोल रहा हूँ। जय माता दी, देख सकते हो कितने पुराने पुराने हैं। जय माता दी। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, बाहर से कैसा दिखता है देख सकते हो। हजारों घंटी यहाँ पे लोगों ने बांध रखी है, और साथ में पुराने पर्चे देख सकते हो। लोग बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं, अपनी मन्नत भगवान जी के समीप रख देते हैं। हाँ जी मनोज जी, क्या मांगा फिर आप आपने आज? जब पूरा होगा तब बताऊंगा भाई। मतलब सीक्रेट है वो? है सीक्रेट है, जब पूरा होगा तब बताऊंगा। हम देख सकते हैं का जमावड़ा उधर जाते हैं। हम हैं चिताई गोलू, सुना होगा आपने। अल्मोड़ा से हम लोग बागेश्वर से आए, बागेश्वर से जो पिथौरागढ़ रोड जाती है उस रोड को कटे हम, वहाँ से 5 किलोमीटर अंदर को ये चिताई गोलू, और ये सामने दिख रहा है ये मंदिर। यहाँ पे लाखों लोगों ने पर्चे में लिखकर यहाँ पे लिखकर चढ़ा रखा है, और साथ में देख सकते हो घंटी, लाखों घंटी होंगी यहाँ पे। तो आप लोग भी आने की कोशिश करना कभी यहाँ पे, अगर कभी भी आओगे तो। ये देख सकते हो आप, ये कागज के पन्नों पे लोगों ने अपनी मनोकामना मांगी है, बहुत पुराने पुराने, और जो यहाँ पे घंटी है छोटे से लेकर बड़े तक कम से कम 1 लाख से ऊपर होंगे, और लोगों ने अपनी मनोकामना, देख सकते हो आप, लोग यहाँ बाहर से भी आ रखे हैं, अभी भीड़ ही भीड़। पूरा दिखाता हूँ यहाँ मनोज, अंदर भी चले ऊपर, अंदर अंदर साइड। बोल देता महाराज की जय, महादेव। पहाड़ी आती है आपको? कदी साल है कान तुम कण ये ले? 22 साल से। यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आते हैं, बाहर के भी आते हैं, कोई इंडिया से बाहर के? पहले आते थे, आजकल लॉकडाउन। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे, तो यहाँ पे शक्ति बहुत ज्यादा है दिव्य की। बोल जू जलते, नाम क्या है आपका? मेरा नाम नीति लोक राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग वापस जा रहे हैं, ये छोटा भाई है मेरा, तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। ये देख सकते हो लाखों लोगों ने पेपर पे लिखकर अपनी मनोकामना मांगी है, और जो भी यहाँ पे पेपर पे लिखता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हम तो लिख नहीं लाए हैं, हम लोगों ने ऐसे मांग लिया। जो घंटी हैं बड़े बड़े घंटी यहाँ पे, यहाँ का सबसे बड़े घंटी। कहाँ से आ रखे हो आप? हरियाणा से? यूट्यूब पे आओगे आप? ये किधर पड़ता है? बरेली में। अच्छा, बरेली से आ रहे हो आप लोग यूट्यूब पे आओगे? कौन सा चैनल? पंकज टावली ब्लॉग है, 20,000 सब्सक्राइबर मेरे,
तो आज की ब्लॉग है, आप लोग आओ सब्सक्राइब कर देना भाई के साथ। आप लोग भी कर लेना, कर लो, देख लोगे आप। पहाड़ी ब्लॉग बनाता हूँ, पंकज टाकली ब्लॉग्स करके होगा, पंकज टाकली टाकली। तो हम लोग मंदिर से बाहर आ रहे हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना दोस्तों। ये है यहाँ का मार्केट। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? है हिमांशु जी, ठीक है। यूट्यूब तो आज हमारे साथ हैं यहाँ के शॉपकीपर जो बागेश्वर से हैं, इनसे मिलके खुशी हुई। तो सर थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए, आप आपका नाम क्या है, कहाँ से हो आप? मेरा नाम हिमांशु जोशी और मैं भी बागेश्वर का ही रहने वाला हूँ। ओहो, आप बागेश्वर से हो? जी जी जी। चलो बढ़िया है, मिलकर खुशी हुई। अब मैं भी बागेश्वर से ही हूँ। तो थोड़ा सा आप बताओगे, आपने यहाँ पे पहली बार शॉप दुकान कब ओपन की थी आपने? मुझे यहाँ पे मिनिमम 11 साल हो गए हैं चितई में। अच्छा। और 11 साल से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, काफी सारे लोग, मतलब पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे लोग आते हैं। अच्छा। तो लोगों का यहाँ पे जो आने का सबसे मेन वो रहता है मन्नत पूरी होने के लिए। अच्छा। जैसे आपके दिल में कोई भी मन्नत है, या फिर आपके मन में कोई भी मुराद हो, या आपके साथ कोई ऐसा न्याय के क्षेत्र में आपके साथ अन्याय हो रहा हो और आप न्याय पक्ष से हैं, तो आप यहाँ पे आके लेटर लगा सकते हैं, और आपको मिनिमम 3 दिन या फिर 30 दिन या 2 साल के अंदर में आपको 100% यहाँ पे न्याय मिलेगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो मतलब 2 साल के अंदर में मिनिमम पूरी हो जाती है। मैं इस चीज़ को इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो मैंने खुद यहाँ पे अपनी मन्नत मांगी हुई थी, मेरे साथ हुआ है ऐसा, इसलिए मैं उस चीज़ को वो करता हूँ। ग्वालियर का इतिहास मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ये ग्वालियर पहले कुमाऊँ, काली कुमाऊँ के नाम से हमारा जो प्रसिद्ध था, यहाँ के राजा थे। तो उस टाइम पे कोर्ट कचहरी नहीं होती थी, तो ये लोगों के साथ जगह जगह अपने पंडाल लगा के लोगों के साथ न्याय करते थे। तो उसी उसमें इनको यहाँ से सिराड़ गाँव वाले इनको यहाँ लेके आए, चंपावत से, जो इनकी जन्मभूमि है चंपावत में, यहाँ पे उनको लेके आया गया। तो यहाँ पे इनको विश्राम कराया गया। इनका जो मंदिर का मेन वो बनना था वो नीचे सिराड़ गाँव में बनना था, जो चितई ग्वालियर का जो मंदिर बनना था वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी। अच्छा। लेकिन यहाँ पे विश्राम कराया गया, तो यहाँ पर से उन्होंने कहा अब मैं विश्राम कर लिया तो अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, इसलिए मंदिर की स्थापना यहाँ पे होगी। तो उस टाइम पे क्या होता था, कोर्ट कचहरी नहीं होती थी, तो ये लोगों के साथ न्याय करते थे। इसी उसमें आज भी जो चितई मंदिर हाई कोर्ट के रूप में यहाँ पे, आपकी जो अर्जी लगाने का मतलब ये है कि आज भी उस समय के कोर्ट हैं ये हाई कोर्ट, और जो इनका घोड़ाखाल मंदिर है वो सेशन कोर्ट, जो चंपावत जो इनकी जन्मभूमि है वो सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपकी कोई भी मुराद हो, जितने भी मेरे भाई लोग इस वीडियो को देखेंगे, जितने भी वो करेंगे, आप एक बार जरूर चितई मंदिर में आइए और भाई की वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पे अभी कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन की वजह से भीड़ कम है, इससे पहले पता होगा जब कोरोना नहीं था तब उस टाइम पे कितनी भीड़ रहती थी यहाँ पे? देखिए सीजनल टाइम पे तो ऐसा रहता था, अगर आप मंदिर में आइए तो मिनिमम 3 घंटा आपको लाइन में खड़ा, मतलब 5,000 से प्लस लगभग पर डे का आदमी, 5,000-10,000 आदमी पर डे का सीजनल टाइम पे यहाँ पे रहता था। लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 3-4 महीने तो शॉप बिल्कुल ही बंद रही थी, लेकिन अभी फिर भी धीरे 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 मतलब 20-25% लगभग काम खुल चुका है। जैसे कि अब मैंने देखा यहाँ पे यूपी के भी आए थे, क्या आपको लगता है कि साउथ से भी आते हैं इधर? हर इंडिया के, ऐसा इंडिया में कोई स्टेट नहीं है जहाँ से यहाँ पे आदमी नहीं आते, हर स्टेट और अदर कंट्री से भी यहाँ पे लोग आते हैं। तो इंडिया तो मतलब आप ये समझिए इंडिया के लिए एक मोस्ट पॉपुलर मतलब जो रहता है, हर स्टेट से यहाँ पे आदमी आता है, और इंसान के यहाँ पे आने का मतलब एक ही होता है कि यहाँ पे आके वो अपनी मन्नत मांगे और नेक्स्ट टाइम आके यहाँ पे फिर घंटी चढ़ा जाए। तभी अभी मैं इससे पहले बरेली के कुछ लोग मिले थे मेरे को, मैंने पूछा कौन सी बार आ रहे हो, बोल रहे सेकंड बार, शायद इनकी मनोकामना जो भी थी वो पूर्ण हो चुकी है, पूरी हुई होगी और इस बार वो फिर घंटी चढ़ाने। चलो धन्यवाद आपका हिमांशु जी, बहुत बहुत हमारे वीडियो में आने के लिए, थैंक यू भाई, बाकी थैंक यू। ये वो लोग हैं जो बरेली से आ रखे थे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया इन्होंने, धन्यवाद आपका। लोग आ रखे हैं बरेली से, बरेली से आए हुए हैं। अच्छा। और 3 हमारे सामने गाड़ी आई हैं, हम लोग से भाई लोग आए हुए हैं। एक बार गोलू देवता का नारा लगा लीजिए, जय गोलू देवता की जय हो, हर हर महादेव, जय गोलू देवता। अब भैया भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जय फूल करते हैं, जय। चलो चलो ठीक है, सब कर देना सब्सक्राइब। है अपने हर्षित भाई की शॉप, और ये रहा पीछे गुलजू देव का मंदिर। तो हम लोग वापस जा रहे हैं घर को,
और हम लोगों ने हेलमेट पहन भाई पर्ची तो नहीं लिखी, लेकिन हम लोगों ने अंदर से दिल में एक प्रण बोलते हैं पहाड़ी में, उसको कर लिया है, भगवान से मांग लिया, फिर अगली बार जरूर आएंगे हम। तो दोस्तों हम लोग वापस घर को निकल चुके हैं, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, जय गोलूदेव, और सब्सक्राइब जरूर कर देना जो पहली बार मेरे चैनल में आ रखा। आई लव उत्तराखंड, आई लव देवभूमि, सीधे बागेश्वर से।